तो जैसे कंप्लेन लेटर हमने रीड किया था आ गया, वैसे भी हम लोग सेल्स लेटर पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, राइट ए सेल्स लेटर टू प्रमोट सेल ऑफ अल्ट्रा वॉशिंग मशीन। मतलब ऐसे आपको सेल्समैन ईमेल या लेटर लिखना है कस्टमर को, यू आर प्रमोटिंग सेल वॉशिंग मशीन। तो एग्जाम में वॉशिंग मशीन भी आ सकता है, स्मार्टफोन भी आ सकता है, रेफ्रिजरेटर भी आ सकता है, स्मार्ट वॉच भी आ सकता है, तो कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए आ सकता है। तो यू हाउ टू राइट द लेटर, ओके लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, अब जो कंपनी का सेल्समैन है वो कंपनी का नाम डाल देंगे। तो कंपनी का नाम डाला वॉशवेल कंपनी लिमिटेड रामा स्ट्रीट मुंबई, तो ये वाले लेवल ये फॉर्म में अपने को लिखना है, राइट, सेमी ब्लॉक में। फिर डेट डाल दिया, ओके। देन वी हैव टू राइट डियर कस्टमर, मतलब ये जो ईमेल है वो हर कस्टमर को जाएगा, राइट। तो वी हैव टू स्टार्ट, ओके। तो क्या लिखा है, एज अ सेल्समैन आप उनको क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, मस्का मार रहे हैं कि वो ईमेल रीड करके ऑर्डर दे दे, ओके। लेट्स स्टार्ट, वी हैव जस्ट लॉन्च अल्ट्रा वॉशिंग मशीन विच इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू मशीन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सिंपल टू ऑपरेट एंड स्पेस सेविंग, मतलब सिंपल है, आसान करना और जगह भी कम खाएगा। पुट इट इन एनी कॉर्नर ऑफ द हाउस, इट डजंट नीड मोर स्पेस, किधर भी कोने में डाल दो जगह नहीं लेगा ज़्यादा। इट वर्क्स स्विफ्टली एंड साइलेंटली, मतलब ये डमडम आवाज़ नहीं करता, एकदम अच्छे से काम करता है। एंड साइलेंटली फॉर योर वॉशेस, अच्छे से पूरा कपड़ा धो के देगा। योर क्लोथ जस्ट द वे यू वॉन्ट देम, जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम्हारे लिए ये काम करके देगा मशीन। इट इज़ इकोनॉमिकल ऑन पावर, मतलब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, एकदम सिंपल है। अब लाल वाला लाइन है ना, ये इसमें क्या दिया तुमको, उन लोग आप उनको मस्का मारे, डोंट हेसिटेट एनी लॉन्गर, इतना मत सोचो, जस्ट थिंक ऑफ हाउ योर वाइफ विल लव यू, ये मशीन ला के तुम्हारी वाइफ तुमसे कितना प्यार करेगी। फॉर द गिफ्ट एंड सेंड अस योर प्रीशियस ऑर्डर, हम वेट करें फॉर योर ऑर्डर एंड आवर सेल्समैन विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ दी आवर वॉशिंग मॉडल वर्क्स आउट, मतलब हमारा आएगा सेल्समैन आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा। फिर योर सिंसियरली सेल्स मैनेजर, ये तो नाम मैंने लिखा है, आप लोग अपना नाम भी एग्जाम में डाल सकते, राइट। तो ये अपना कौन सा लेटर हो गया, एक सेल्स लेटर हो गया, राइट। तो जो ये लास्ट का पैराग्राफ है ना, ये इस सबके लिए कॉमन यूज़ कर सकते हो, आपको बस इतना ही रीड करके समझेंगे। तो आपको क्या करने का, प्रोडक्ट का फीचर्स एक्सप्लेन कराने का, उसके बेनिफिट बताने के, उसकी अच्छी बातें बताने, ताकि कस्टमर को अच्छा लगे वो चीज़ परचेस करे। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक सेल्स लेटर आएगा प्रमोट करने के लिए, तो ये आपके लिए एक सेल्स लेटर मैंने बना के दिया, और बाकी के ये एग्जाम्पल से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। और बाकी के भी लेटर मैंने अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है, यू कैन चेक, यू कैन सी, ओके। और FI BCOM, मतलब जो सेम टू ए फर्स्ट ईयर वाले को, सबको ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर ऑफ सेल्स लेटर आएगा, इंक्वायरी लेटर आएगा, कंप्लेंट लेटर, रिड्रेसल लेटर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करके तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दिया, ओके। थैंक यू वेरी मच।